पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अलग अलग चार थाना क्षेत्रों में वाल्मीकि समाज पर हुए मामले में पुलिस ने भले ही मुकदमे दर्ज कर लिए हों, लेकिन किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे नाराज वाल्मीकि समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पहला मामला थाना सिविल लाइन का है, जहां नगर निगम के सफाई कर्मचारी को गोली मार दी गई थी, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो वहीं दूसरा मामला बिलारी के गांव धनिया खेड़ा का है, जहां शिशुपाल के घर में घुसकर दबंगों ने उसकी पत्नी से मारपीट की थी। तीसरा मामला थाना भोजपुर का है, जहां पर चंद्रपाल के परिवार को पीटा गया था। और चौथा मामला थाना भोजपुर का है। भावादस के राष्ट्र निदेशक लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया कि आज हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 2 महीने में 4 बार वाल्मीकि समाज पर हमले हुए हैं, लेकिन पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। उल्टा आरोपी अब हम लोगों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। हड़तालियों का कहना है कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करेगा। कोई नहीं आया था, हमने अपना मेमोरेंडम भिजवा दिया था, कप्तान साहब को बाय हैंड किया था, और आज 24 घंटे के बाद अनिश्चितकाल धरना जो था उसमें हमने भूख हड़ताल पर बदल दिया। हमारे 6 लोग, 2 वीर, 2 वीरांगनाएं अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठी हैं। अन्न जल इन लोगों ने सबने त्याग दिया है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहीं बैठे रहेंगे भूखे प्यासे और गिरफ्तारी करा कर रहेंगे। सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे मुलजिम जो हैं वो गिरफ्तार हों।